एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाल ही में रायपुर में गए थे और रायपुर में उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का हिस्सा बने वो, और वहां उन्होंने शिरकत की। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासी महोत्सव में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी भी उन सभी लोगों के साथ सर पे टोपी लगाकर, उनकी एक अनोखी टोपी है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और किस तरीके से राहुल गांधी वहां डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पूरी तरह खुशी का माहौल है और वहां पर राहुल गांधी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब से अलग हटकर आपको एक और बात बता दें कि राहुल गांधी अभी थके नहीं हैं, राहुल गांधी अभी पीछे नहीं हटे हैं। लगातार वो भाजपा की हकीकत लाने के लिए, जनता के सामने आईना दिखाने के लिए और लगातार उनके झूठ से पर्दा उठाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को देश को बांटने में लगी है ये बताकर संबोधित किया। आपको बता दें कि इस महोत्सव के बाद वो एयरपोर्ट पे नजर आए, आप वीडियो में देख सकते हैं, और किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें उन्होंने कहा कि एनपीआर हो या एनआरसी हो या देश के गरीबों पर एक टैक्स हो, नोटबंदी देश के गरीबों पर एक टैक्स था। नोटबंदी में लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए पैसे देने पड़े थे, ये भी ठीक वैसी ही स्थिति है। गरीब आदमी अफसर के पास जाएगा, अपने कागजात दिखाएगा और वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको पैसे देने होंगे, और पैसे देकर वो गरीब इंसान अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराता रहेगा और एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से सामने आएगा और गरीबों से काफ़ी पैसे ऐंठे जाएंगे, करोड़ों रुपए निकाल कर लोगों से अपनी जेबें भरी जाएंगी। और इसी के नाम पर वो एनआरसी एनपीआर और सीए को लेकर आए हैं। एनआरसी के जरिए वो लोगों की जेबें ढीली करेंगे, गरीबों पर अत्याचार करेंगे और गरीबों को अफसरों के चक्कर काटने होंगे, वो उनको भगाएंगे और लगातार उनसे पैसे ऐंठते रहेंगे। यही एनआरसी का मुद्दा है और इसलिए भाजपा सरकार इसको लेकर आई है। यहाँ पर राहुल गांधी ने सही बोला और जनता को भी लगता है कि सही बोला होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनआरसी का विरोध पूरी जनता कर रही है और सामने ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस वजह से एनआरसी लाई जा रही है और एनआरसी का मकसद ही क्या है और भाजपा सरकार क्यों जनता में खलबली मचा रही है, सामने साफ होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पे आप अपनी एक नजर डालिए। देश का टाइम जाया किया गया, नोटबंदी की, किसानों से मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया, 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे, मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया, कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है। सर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर से देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? देखिए, चाहे एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। जाइए अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे, ये है गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है। अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई
हमें रोजगार कैसे मिलेगा? अर्थव्यवस्था पहले 9% पे ग्रो करती थी, अब 4% पे आ गई है, वो भी नए तरीके से नाप रहे हैं। अगर हमारे तरीके पुराने तरीके से नापो तो 2.5% पे पहुंच गए हैं। तो गरीब जनता पूछे, भैया आपने हमारी जेब से पूरा पैसा निकाल दिया, मार दिया आपने हमें, मगर हमें क्या मिला? और छत्तीसगढ़ उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल बन रहा है। मेरा काम नंबर देने का नहीं है, मेरा काम अगर मैं थोड़ा सरकार को जनता की आवाज सुना सकूं, किसानों की बात सुना सकूं, तो वो मेरा काम है। बट नंबर देना राहुल गांधी का काम नहीं है, नंबर देना छत्तीसगढ़ की जनता का। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, राहुल गांधी साफ तौर से मीडिया से रूबरू होते ही उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला और सीधे ही एनआरसी का मुद्दा खोलकर रख दिया और भाजपा सरकार की नींव पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए और उनकी नींव, उनके अस्तित्व पर कई दाग लगते हुए दिखाई दे रहे। और आपको बता दें कि जनता यहाँ पर अपने हित के लिए सड़कों पर उतरी है। और ये भी बता दें कि आज की जनता धर्म के आधार पर विभाजित होने वाली नहीं, वो बल्कि एकजुटता के साथ चलती है, जैसा कि आप अभी इस मुद्दे को लेकर ही देख लीजिए और लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। ऐसे में भाजपा सरकार की सच्चाई सामने आती जा रही है। लगातार राहुल गांधी भी भाजपा सरकार की हकीकत को खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि किस तरीके से अब भाजपा सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और कितने झूठ और होंगे भाजपा के जो राहुल गांधी और उजागर करते देखे जाएंगे। अब आपको बता दें कि आपको भी यही लगता है कि एनआरसी का मुद्दा सिर्फ गरीबों से पैसे ऐंठना और जनता को परेशान करना है और भ्रष्टाचार का मामला फिर सामने लाना है और अपनी जेबें भरना है सरकार का, और इसके जरिए और कोई मकसद नहीं है उनका? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस विषय में। अभी देखते रहिए SBN9 न्यूज़।